मैं डॉक्टर अदिति आज आपको लेकर चलूंगी योगा करने के लिए। और ये योगा डे मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं अभी जर्मनी में आई हुई हूँ, तो अपना अपने देश का योगा है और मैं यहाँ आकर के अपना योगा की वीडियो बनाऊंगी और आज जा करके आपको बताऊंगी कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर जो हमारे मोदी जी ने पहले इस योगा का चलाया था वो किस तरीके से हमें कुछ कुछ आसन है जो हम लोग को रोज करना चाहिए वो आज आपको मैं बताऊंगी कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। आइए चलिए मेरे साथ में। सबसे पहले हाथ जोड़ेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। अब हम सबसे पहला आसन करते हैं, उसके अंदर हम करेंगे ग्रीवा संचालन। उसके लिए हाथों को कमर पे रखेंगे और सांस को अंदर लेंगे और बाहर छोड़ते समय अपनी ग्रीवा को चलाएंगे। तो बस इस तरीके से सांस अंदर और बाहर छोड़ते समय अपनी ग्रीवा को चलाना है। जब भी हम सांस अंदर लेंगे तो पेट को फुलाना है, सांस बाहर छोड़ेंगे तो पेट को अंदर की ओर खींचना है। इस तरीके से अपने गर्दन को लेफ्ट और राइट की तरफ घुमाना है, जिस तरीके से आप अपने वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद में गर्दन को लेफ्ट राइट में घुमाना है, जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब जितने बार लेफ्ट में करना है उतना ही आपको राइट में करना है। और अब पूरी गर्दन को गोल गोल घुमाना है, ठीक है? तो एक बार लेफ्ट साइड में से घुमाना है और दूसरी बार आपको राइट साइड से घुमाना है। इस तरीके से जितनी बार आपने लेफ्ट तरफ से घुमाया है उतनी ही बार आपको राइट साइड से भी घुमाना है। और अब उसके बाद में हम करेंगे स्कंध संचालन। तो स्कंध संचालन पे पहले दोनों हाथ अपने कंधों पर रखने हैं और इस तरीके से आपको गोल गोल घुमाना है। तो सामने की ओर से गोल गोल घुमाएंगे, फिर पीछे की ओर से हाथों को ला करके गोल गोल घुमाएंगे। जिस तरीके से हम अगर 5 बार आगे की तरफ से घुमाते हैं तो 5 बार हमें पीछे की तरफ से घुमाना है। अब हम उसके बाद में करेंगे कटी संचालन। तो दोनों हाथों को आगे की ओर रख के एक तरफ आपको मुड़ना है, पूरा पीछे की तरफ वापस अपने हाथों को आगे लाएंगे और रिलैक्स करेंगे। सेम प्रोसेस आपको दूसरी तरफ करना है। ऐसा आप 4 से 5 बार करेंगे। तो 4 बार अगर आप करते हैं लेफ्ट में तो 4 बार ही आपको करना है राइट में। तो इस तरीके से ये हमारा कटी संचालन जो आसन है वो कम्प्लीट हो जाएगा। अगला आसन है हमारा घुटने संचालन का। उसके अंदर आपको सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर बैठना है और वापस सांस लेते हुए आपको फिर से खड़ा होना है। तो आप ये 4 से 5 बार कर सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, बस आपकी कैपेसिटी पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम करेंगे ताड़ासन। तो उसके लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को बांध करके ऊपर की ओर करना है और फिर अपने पंजों के ऊपर आपको चलना है, ठीक है? इस तरीके से आप अपने पंजों पे चल सकते हैं। तो अगर आपकी हाइट बढ़ नहीं रही है तो ये आसन हर रोज़ आप कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपके ये ताड़ासन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हम करेंगे वृक्षासन। तो वृक्षासन होता है बैलेंसिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए आपको एक पैर को दूसरे पैर की थाइस के ऊपर रखना है और दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है। उसके बाद में आप जितना भी समय यहाँ रह सकते हैं तो उस पोजीशन में आपको रहना है। सांस को नॉर्मल तरीके से चलानी है। इस तरीके से आप दूसरी साइड भी इसको करेंगे दूसरे पैर से। तो इस तरीके से हमारा वृक्षासन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम करेंगे पादहस्तासन। तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं दोनों हाथों को बिल्कुल ऊपर ले जा करके और सांस छोड़ते हुए आपको नीचे की ओर आना है। और अगर आपको एडवांस में करना है तो आपको पूरा मुंह घुटनों के अंदर डाल देना है। इस तरीके से हमारा पादहस्तासन कंप्लीट होता है। और अगला है आसन अर्धचक्रासन। तो आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं हमें
आधा चक्कर बनाना है तो कमर पे हाथ रखेंगे और सर को पीछे की ओर ले जाएंगे, बिल्कुल सर को लटकाना नहीं है पीछे की ओर। तो उसके बाद में हम करेंगे अगला आसन, त्रिकोण आसन। उसके लिए दोनों पैरों को चौड़े करेंगे और जिस तरफ हम लोग मुड़ेंगे उस पैर को सीधा रखेंगे, ठीक है। तो दोनों हाथों को फैलाए और उस हाथ को नीचे की ओर लेकर जाए और आसमान की ओर देखिए आप। इस तरीके से हमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हमारे को ये आसन कंप्लीट करना है। तो अब मैं अपने राइट की तरफ करूँगी, तो मैं मेरा राइट पैर को मैंने सीधा किया और हाथ को नीचे की ओर किया और अपने सर को आसमान की ओर देखा। तो इस आसन में आप 1 से 2 मिनट तक रह सकते हैं, जितना आप रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे बैठ कर करने वाले आसन। तो हम सबसे पहला आसन करेंगे भद्रासन। उसके लिए दोनों पैरों को सीधा करके दोनों पैरों के तलवों को मिला करके अपने पेड़ू की ओर लेकर आएंगे और बिल्कुल सामने की ओर टकटकी लगा करके कमर को सीधा करके देखेंगे। इस तरीके से हमारा भद्रासन कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट करेंगे वज्रासन। तो वज्रासन के लिए दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़ेंगे और इस तरीके से दोनों पैरों के ऊपर अपने हिप्स को टिका कर रखेंगे। तो अपने दोनों पैरों को हिप्स पर टिका कर रखेंगे और दोनों हाथों को अपने थाइस पर रखेंगे और इस तरीके से आप वज्रासन कर सकते हैं। यह एक ऐसा आसन है कि इसको आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद में हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। तो अर्ध उष्ट्रासन में दोनों हाथ पीछे हिप्स के ऊपर लगा करके पीछे की ओर घूमना है और उसके बाद में हम करेंगे उष्ट्रासन। तो उसमें दोनों हाथों को अपन को दोनों पैरों के तलवों पर रख करके पीछे की ओर इस वीडियो में दिखाया गया है वैसे हमें मुड़ना है और पूरा सर को पीछे की ओर करना है, बिल्कुल बॉडी को लटकाना नहीं है और ऐसे झूला नहीं देना है अपनी बॉडी को, वरना कोई भी इंजरी हो सकती है, ठीक है। और धीरे से सीधे आना है। उसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट आसन है हमारा शशकासन। ये एक बच्चे की तरह दोनों पैरों को फोल्ड करके और हाथों को आगे की ओर लेकर जाएंगे। इस आसन में आपको बहुत ही रिलैक्स मिलेगा, दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर जाएंगे और इस तरीके से आप यहाँ पे 1 या 2 ब्रेथ लेंगे और वापस सीधे आ जाएंगे, ठीक है। अगला आसन हम करेंगे उत्तान मंडुकासन, ठीक है। दोनों पैरों को इसी तरीके से फोल्ड करने के बाद में जितना दूर फैला सकते हैं उतना फैलाएं, दोनों हाथों को पीछे पीठ के ऊपर लेकर जाएं और सामने की ओर टकटकी लगा करके देखते रहिए। यह आसन पेट का दर्द और गिरवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। तो बस हमारा ये आसन कंप्लीट हुआ, अब हम अगले आसन की ओर चलते हैं। तो हम करेंगे अब वक्रासन, इसे मरीच्यासन भी कहते हैं। तो दोनों पैरों को हम सीधा रखेंगे, एक पैर को हम फोल्ड करेंगे और अपोजिट हाथ से उस पैर को पकड़ेंगे और दूसरा वाला हाथ हमारा होगा पीछे की ओर और उसी तरफ जो हाथ हमारा पीछे है उसी तरफ हमारे को अपना फेस करना है। ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो हाँ, आप लोग हर रोज़ ये आसन कर सकते हैं और इस तरीके से आपने लेफ़्ट किया और आपको राइट भी करना है। तो जैसे हम 4 बार लेफ़्ट करेंगे 4 बार राइट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वक्रासन समाप्त होता है। उसके बाद में हम करेंगे भुजंगासन। तो उसके लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को हमारे चेस्ट के पास रखेंगे और अपने बॉडी को आगे की ओर से ऊपर उठाएंगे। तो इस तरीके से हमारा भुजंगासन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हम करेंगे मकरासन। उसके लिए हम दोनों हथेलियों को अपने सर के नीचे लगाएंगे और दोनों पैरों को बिल्कुल दूर दूर जितना फैला सकते हैं उतना फैलाएंगे। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं उस तरीके से आप पैरों को पूरा फैला करके लेट जाएं और कम से कम 3 से 4 ब्रेथ यहाँ पर आप लेंगे और उसके बाद में आप देखना बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। उससे अगला आसन हम करेंगे शलभासन। तो दोनों हाथों को अपने पैरों के नीचे दबाना है और दोनों पैरों को आहिस्ता से पीछे की ओर से उठाना है, बहुत ज़्यादा जर्क नहीं लगाना है इस आसन में, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद में हम लोग करेंगे पीठ के बल लेट कर करने वाले आसन। तो सबसे पहले हम करेंगे सेतुबंध आसन। तो दोनों पैरों को अपने पास लेकर जाएंगे, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, दोनों हाथों से पैरों को पकड़ेंगे और अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। यहाँ पे कम से कम 4 से 5 ब्रेथ तक आप रुकेंगे, धीरे से वापस नीचे आएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे
उत्तान पाद आसन। तो इसके अंदर हम दोनों पैरों को ऊपर करेंगे चिपका करके और बिल्कुल आहिस्ता से ऊपर करके रखेंगे। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर रख सकते हो, बिल्कुल आहिस्ता से नीचे करेंगे। उससे अगला हम आसन करेंगे अर्धहलासन। ठीक है, दोनों पैरों को बिल्कुल 90 डिग्री पर हमें ले जाना है। थोड़ा सा हाथों को हिप्स के नीचे सपोर्ट देकर के रखेंगे तो अच्छा रहेगा और बिल्कुल धीरे से जैसा वीडियो में दिखाया है वैसे आपको पैरों को नीचे लेकर के आना है। अगला आसन हम कर रहे हैं पवन मुक्तासन। तो दोनों पैरों को फोल्ड करके एक बच्चे की तरह अपने ऊपर चिपका लेंगे, दोनों हाथों से उसको होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हमारे अधिकतर आसन समाप्त हो गए हैं। अब हम करेंगे शवासन। सभी आसन करने के बाद में शवासन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमने जो भी किया हमारी बॉडी मेमोरी फॉर्म करे। तो आसमान की ओर अपनी हथेलियों को करके, पैरों को थोड़ा दूर दूर करके, बॉडी को पूरा रिलैक्स करके, एकदम जहाँ भी आप योगा कर रहे हैं अपने आप को फील करें, अपने बॉडी के एक एक पार्ट को फील करें। बहुत ही अंदर से ऐसा फील करना है कि जिस तरीके से करंट आपका सर से लेकर पैरों तक वो करंट जा रहा है और आपने जो भी आसन किए उनका हर एक आसन का आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। बस इसी तरीके से एक सांस लंबी ले गए और जैसे सांस छोड़ेंगे उसके साथ सारा बॉडी का जो टाइटनेस है स्टिफनेस है वो छोड़ दें। बस अब करवट लेकर के उठेंगे और हम करेंगे बैठकर करने वाले आसन। तो हम करेंगे प्राणायाम करेंगे अब हम। तो उसमें सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। तो कपालभाति के लिए हम करेंगे सांस को बाहर छोड़ेंगे, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर लगा कर रखेंगे और सांस को आप बाहर छोड़ेंगे। अंदर नहीं खींचना है, सिर्फ बाहर छोड़ना है, अंदर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और पेट जैसे सांस छोड़ेंगे पेट अंदर की ओर जाएगा। इस तरीके से हमें करना है कपालभाति। ये आप 1 से 2 मिनट 5 मिनट कर सकते हैं। उसके बाद में हम करेंगे अनुलोम विलोम, इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। तो एक नाक से सांस छोड़ेंगे और उसी नाक से हमें सांस अंदर लेना है, फिर दूसरे नाक से सांस छोड़ना है, उसी नाक से हमें सांस अंदर लेना है। तो इस प्रतिक्रिया को आप 4 से 5 मिनट के लिए रोज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपना आसन कंप्लीट करना है और ये बहुत ही स्लो करना है। इसमें भाग दौड़ी नहीं करनी है कि हम जल्दी से ख़त्म कर दें हमारे स्ट्रोक्स, नहीं। हमें जितना समय दे सकते हैं उतना समय बिल्कुल एक एक सांस को फील करते हुए हमें करना है, क्योंकि ये आसन, और इसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अगला हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, दोनों उंगलियों को अपने आँखों पर रखें, पहली उंगली को अपने आईब्रो पर रखें और लास्ट वाली उंगली को अपने नोज़ के पास रखें और इस तरीके से हमको ओम का उच्चारण करना है। अगला आसन करेंगे हम ध्यान। ध्यान सबसे ही ज़्यादा लाभदायक है और योग का नियम है कि ध्यान जरूरी ही करना है। तो इस तरीके से आँखों को सामने की ओर टकटकी लगाएं। शुरू शुरू में अगर आपका ध्यान नहीं बनता है तो आप ये आँखें भी बंद कर सकते हैं, मगर आँख खोलकर करेंगे तो कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा। तो बस सामने की ओर देखते रहना है। तो प्रणाम, आज का योगा यहीं समाप्त करते हैं। हेलो, नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। और बस मेरी आप सभी से ये अनुरोध है कि हमें हर रोज़ योग करना चाहिए। अपने जीवन का हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उसमें से हम अगर हमारे लिए सिर्फ आधा घंटा भी
हम हमारे योग को, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे मानसिक स्थिति के लिए हम अगर रोज़ आधा घंटा भी योगा कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही सफिशियंट है वो। बस इतना ही करेंगे तो बहुत होगा। बस मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हर रोज़ अपने लिए टाइम निकालें और अपनी खुशी के लिए टाइम निकालें। इससे आपको बहुत सारी बीमारियों में आपको मुक्ति मिलेगी, बहुत सारी बीमारियों से, और आपका शरीर निरोगी रहेगा। बस मेरी आप सबसे यही विनती है कि हर रोज़ अपने लिए ज़रूर समय निकालें। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। थैंक यू।